शराब बनाने के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, जहां पर 8,50,000 रुपए का 8,000 लीटर कच्ची शराब बनाने का लाहन एवं उपकरण नष्ट करवाने के साथ ही 450 लीटर कच्ची महुआ की शराब जब्त की गई है। चार आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बनाने वाले, विक्रय करने वाले एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों एवं बगैर लाइसेंस स्प्रिट विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाकर कार्रवाई हेतु निर्देशित दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश, नगर पुलिस अधीक्षक नीमच राकेश मोहन शुक्ल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अवैध शराब बनाने वाले, विक्रय करने वाले एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों एवं बगैर लाइसेंस स्प्रिट विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अनुभाग मनासा में पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर बाछड़ा डेरा बरखेड़ा मोया एवं कड़ी आंतरी में शराब बनाने के ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी, जहां पर 5,50,000 रुपए का 5,000 लीटर कच्ची शराब बनाने का लाहन एवं उपकरण नष्ट किए गए। साथ ही 450 लीटर कच्ची महुआ की शराब कीमत 45,000 जब्त की गई है, जहां पर चार आरोपी के विरुद्ध प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। सराहनीय योगदान इस कार्यवाही में रहा। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मनासा, निरीक्षक के एल दागी, थाना प्रभारी कुकड़ेश्वर, निरीक्षक संदीप तोमर, थाना प्रभारी रामपुरा, निरीक्षक आर सी डांगी एवं पुलिस थाना की संयुक्त टीम का सराहनीय योगदान रहा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से सबवीर बोहरा की रिपोर्ट।